हरे कृष्णा। माल्टा स्टूडेंट वीजा में एक क्वेश्चन अक्सर हमारी टीम से पूछा जाता है, और ये सर हमारी टीम से नहीं, जब मैं बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से भी डिस्कस करता हूँ माल्टा के अंदर, तो वो भी यही कहते हैं कि यहाँ ये क्वेश्चन हमेशा एक कॉमन रहता है। VFS से डिस्कस करता हूँ, VFS भी कहता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में डिस्कशन में रहता है। क्या है ये क्वेश्चन? कि माल्टा के अंदर 3 साल की ITR चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसका क्या सोल्यूशन है, क्या उसका हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास 3 साल की ITR नहीं है। स्टूडेंट या पेरेंट्स के पास 3 साल की ITR नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए ध्यान से, मैं यहां पर 3 चीजें बताऊंगा। एक रूल क्या है, एक ऑप्शन क्या है, एक क्वेश्चन मार्क क्या है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में बताऊंगा, जो बहुत जरूरी है समझना। तो ये वीडियो पूरा समझना, रूल, ऑप्शन और क्वेश्चन मार्क तीनों समझाऊंगा मैं आपको। माल्टा के अंदर माल्टा की एम्बेसी लेती है आपके वीजा का डिसीजन कि आपको नहीं देना कि आपको देना है। तो ये माल्टा एम्बेसी लेती है। माल्टा एम्बेसी ने अपने ऑपरेशंस को आउटसोर्स करा हुआ है VFS के पास। तो आपका बायोमेट्रिक VFS में होता है, आपका पासपोर्ट सबमिशन VFS में होता है। तो VFS गाइडलाइन फॉलो करती है जो भी एम्बेसी की होती है। तो VFS की ऑफिशियल वेबसाइट से जब हम उनकी चेकलिस्ट निकालते हैं, चेकलिस्ट का मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पासपोर्ट के साथ लगेंगे, एज पर दी चेकलिस्ट, एज पर दी रूल आता है कि 3 साल की ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, स्टूडेंट या स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मतलब कि आपके पेरेंट्स की होनी ही चाहिए। जो भी आपका स्पॉन्सर है, मान लें कि आपका लीगल गार्डियन पेरेंट्स नहीं है, आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं, बट इट शुड बी अ लीगल गार्डियन, योर फर्स्ट ब्लड रिलेशन। तो ये तो रूल कहता है कि 3 साल की ITR मैंडेटरी है। ऑप्शन क्या है आप समझिएगा। ITR का जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि इनकम समझने के लिए, और इनकम समझ में आती है कि हाँ इस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर, लिविंग एक्सपेंस के ऊपर हम खर्चा कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है, हम रेगुलर इनकम ले रहे हैं। तो अगर किसी के पास ITR नहीं है तो ऑप्शन में क्या होता है, फार्मर्स के पास होता है जे फॉर्म, आप जे फॉर्म लगा सकते हैं। वर्किंग के पास, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास होते हैं फॉर्म 16, वो अपना इनकम प्रूफ वहां लगा सकते हैं। आपके पास ITR के अलावा अगर कोई और अपना इनकम प्रूफ जो ये शो करता हो कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही है, अगर ऐसा कोई इनकम डॉक्यूमेंट है तो आप उस इनकम डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। ये है ऑप्शन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रूल है कि 3 साल की ITR लगानी है। ऑप्शन, अगर ITR नहीं है तो आप एज अ इनकम प्रूफ में जे फॉर्म लगा लें, फॉर्म 16 लगा लें, या कोई भी एक ऑफिशियल ऑथेंटिक लीगल इनकम प्रूफ लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट VFS में सबमिट करेंगे तो VFS आपकी ITR ना लेकर आपका ये ऑप्शनल जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं इनकम प्रूफ के, वो ले लेगा और आपकी एप्लीकेशन को एक क्वेश्चन मार्क डालकर उसमें मेंशन कर देता है कि 3 साल की ITR नहीं दी। मान लें आपके 3 साल की नहीं है, 1 साल की है, 2 साल की है, तो वो मेंशन कर देंगे कि जी 1 साल की ITR दी है या 2 साल की ITR दी है और एडिशनल इनकम प्रूफ में ये डॉक्यूमेंट दिया है। तो वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे कि आपने रूल फॉलो नहीं करा, पर रूल के बदले आपने ये ऑप्शन दी है। अब वो इस फाइल को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये फाइल चली जाएगी एम्बेसी के पास। एम्बेसी का ये डिसीजन होगा कि क्या वो आपके उस इनकम प्रूफ को माने या उसके ऊपर वो क्या डिसीजन ले, दैट इज डिस्क्रिशन ऑफ द एम्बेसी। इसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बट यस, अगर 3 साल की ITR नहीं है तो मेरी एडवाइस होगी कि 1 साल 2 साल की जो भी आप बना सकते हैं वो जरूर लगाएं, एड ऑन टू इट जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वो भी लगाएं और अपनी फाइल माल्टा VFS में सबमिट करें फॉर योर वीजा के लिए। ये एप्लीकेबल मैं बता रहा हूं स्टूडेंट वीजा के लिए, जो हमारे थ्रू कर रहे हैं,
हम उनको एक एक स्टेप में, एक एक छोटी से छोटी चीज में भी गाइड करते हैं। आप एजेंट हैं, एसोसिएट हैं, कंसल्टेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डायरेक्ट हमारे साथ टाई अप कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज के इंडिया ऑफिस हैं, एडमिशन ऑफिस हैं, हम डायरेक्ट एडमिशन सेंटर हैं माल्टा कॉलेज के, तो आप हमारे साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। माल्टा के अंदर दो कॉलेजेस हैं जिनके हम लोग एडमिशन सेंटर हैं, बाकी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनके वी आर वन ऑफ अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एंड अ कंसल्टेंट, बट दो कॉलेजेस के हम लोग एडमिशन सेंटर हैं इंडिया एंड साउथ एशिया रीजन के। तो आप में से जो जो हमारे साथ डायरेक्ट आई अप करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं, कॉल करें, अपना कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ इमीडिएटली साइन करें और अपना स्टूडेंट वीजा प्रोसेस शुरू करें। मैं अमन शुक्ला, आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।